गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो ट्रिक क्लास 10th एंड 12th। आज हम आपको बताने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो को पूरी तरह प्लांट सेल या सेल की पूरी थ्योरी हम आपको बताएंगे, कितने टाइप के सेल होते हैं सब, और सेल की खोज किसने की थी, कब की थी, ये सब आपको आज बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बायोटेक क्लास 10th एंड 12th। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अब हम आपको प्लांट सेल बना, पहले सेल क्या होता है ये जानते हैं। तो दोस्तों, कोशिका अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों, पादप एवं जंतुओं का शरीर बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ से बना होता है। इन कोष्ठों को ही कोशिका कहते हैं। देख लीजिए, अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों, पादप या जंतु का शरीर अति छोटे छोटे कोष्ठों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। जीवन संबंधित सभी क्रियाएं इन्हीं कोशिका के अंदर होती हैं। अतः कोशिका जीवों को की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाता है। अब कोशिका की खोज कब और किसने की थी ये जानेंगे। कोशिका की खोज, डिस्कवर ऑफ सेल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में की। अब हम जानेंगे थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका के सिद्धांत। सेल थ्योरी दो है, ऑल लिविंग इन मेड ऑफ सेल, सभी सजीव कोशिकाओं से बने हैं। और दूसरा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ह्यूमन बीइंग यानी सजीवों के। सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। सेल दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। आज हम आपको इस वीडियो में प्लांट सेल के बारे में पूरी बेसिक जानकारी देंगे। प्लांट सेल कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, कई बच्चों को स्ट्रक्चर उनका बनाना नहीं आता, तो आज हम आपको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इतना इजी ट्रिक देंगे कि आप आँख मूंद कर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्ट्रक्चर बनाना तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम 7 माला खींचेंगे। कैसे, पहला लाइन हम ऐसे खींचेंगे, एक दूसरा ऐसे, ऐसे हम 7 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले ऐसे का 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचेंगे। 6 लाइन खींचने के बाद इसको डबल कोट कर देंगे, इस लाइन को जैसे ऐसे करेंगे, ये यहाँ से ऐसे, ठीक। इसी तरह सबको ऐसे निकाल देंगे। करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कर देंगे सबको। ऐसे का सब में पाला खींच देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे, क्योंकि दूसरा सेल इसी से जुड़ता है। आप लोगों को पता होगा इसकी खोज मधुमक्खी के आकार की तरह माना जाता है, कि छत्ते के जैसा नुमा होता है, जैसे कि ऐसे मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है ना, ऐसे कई छत्ते जुड़े होते हैं एक के ऊपर एक। सेल ऐसे ही जुड़े होते हैं। इस तरह सेल जुड़े होते हैं। अब करना कुछ नहीं है, सब को इसी तरह कर लेंगे। और इसके बैकग्राउंड से इस तरह का एक्स्ट्रा पाला खींचेंगे, जिसे सेल वॉल कहते हैं।
खींचेंगे इस तरह खींच लेंगे। अब हम इसको बीच से मिटा देते हैं। आप लोगों ने सेल में देखा होगा यहाँ पर जॉइंट होता है बीच में, क्या करते हैं इसको इस तरह जोड़ देते हैं ऐसे, जितना मिटा रहे हैं सबको जोड़ेंगे, इसको इस तरह कर देंगे जोड़ देंगे। अब इस सेल के अंदर हम इस तरह ज्वाइन करेंगे, बीच में ऐसे पाला सब में खींचेंगे इस तरह। इसको हम गाढ़ा कर लेंगे, कुछ इरेज कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, क्योंकि गाढ़ा करने में कई बार दाग भी लग सकता है हाथों से। इधर का देखिए नहीं हुआ है, कर दे रहे हैं। डार्क हो गया, अब हम इसमें केंद्रक बनाएंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो सेंटर में इस तरह का ऐसे का बनाएंगे। ये न्यूक्लियस पोर है, न्यूक्लियस के बीच जो स्पेस छूटा होता है उसे न्यूक्लियस कोर कहते हैं। इस तरह बना सकते हैं। अब इसमें गाली का जुड़ा होता है इस तरह, इस तरह हम पहले गाली इस तरह कर लेंगे। अब हम बनाएंगे रितिका कला, इस तरह। दूसरी साइड भी इसी तरह होगा, ये हम लोग कुछ ज़्यादा नीचे बना रहे हैं। पहले ये बना लें, ये इस तरह करने के बाद इसको सेट कर लेंगे जो हमने इरेज किया था। माइक्रोकांड्रिया बना देंगे छोटा छोटा, एक आ गया है। ऐसे ऐसे पाला खींच देंगे, इस तरह कर लेंगे। अब सेल के बीच क्रोमोसोम बनाएंगे, न्यूक्लियस के बीच क्रोमोसोम, सेल के बीच क्या है इस तरह। आप डॉट डॉट देकर इस तरह बनाएं, इस तरह कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा शेप दे दें,
ये हो गया। इसको अब हम सेट करेंगे, इस सबको डार्क कर लेंगे। अब कुछ करना नहीं है, हमारा सेल लगभग रेडी है। इसमें डॉट डॉट भरेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे रहेगा, डॉट डॉट भरेंगे सब जगह ऐसे ऐसे कर देंगे। इस तरह डॉट डॉट कर कर आपका सेल रेडी है पूरी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, नॉमिनीज। जैसा कि आप लोगों को पता है ये रितिका है, इस तरह नाम नहीं लिखते हैं, इसका नाम एक साइड से लिखते हैं, पर हमारे पास जगह बचा नहीं है तो इस तरह लिख देंगे। आप लोग नाम लिखिएगा तो ऐसे ऐसे पाला खींच के सिर्फ एक साइड लिखिएगा ऐसे का, इस तरह देखने में अच्छा लगता है नाम। एग्जाम में आप इतना नाम लिख सकते हैं चलेगा। ये आपका माइक्रोकांडिया, ये रितिका कला है, ये कोशिका रस है, इतना में कोशिका द्रव राइबोसोम, हरित लवक, गालजी काय, कोशिका कला, ये आपका सेलवाल, केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर द्रव्य है ये, केंद्रक के अंदर द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोटीन होता है, ये आपका क्रोमोटीन है ये दोनों, और ये क्रोमोटीन के अंदर का केंद्रक है, इसको केंद्रिका कहते हैं, ये माइक्रोकांडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोट्रिक क्लास 10th एंड 12th। थैंक यू दोस्तों।